महाराष्ट्र सीएम को लेकर फंसा पिंच, क्या देवेंद्र फडणवीस इस बार कर पाएंगे खेला? महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दो दिन पहले ही सत्तारूढ़ बीजेपी नीत महायुति ने विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल कर कांग्रेस नीत महाविकास अघाड़ी एमबीए के सत्ता हासिल करने के सपने को चकनाचूर कर दिया था। सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन में शिवसेना के इस बात पर जोर देने के कारण विलंब हो रहा है कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने रहे। सूत्रों के मुताबिक 20 नवंबर को हुए चुनाव के नतीजे शनिवार को आने के बाद ऐसी चर्चा थी कि नए मुख्यमंत्री को सोमवार तक शपथ दिलाई जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सत्तारूढ़ महायुति इस बात पर आम सहमति नहीं बना पाई कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। शिवसेना शिंदे ने दिया बिहार मॉडल का हवाला। ऐसी अटकलें थी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी की शादी के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए सोमवार को दिल्ली पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, शिंदे और अजित पवार मुख्यमंत्री पद पर गतिरोध को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। शिवसेना प्रवक्ता नरेश महस्के ने बिहार मॉडल का हवाला देते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहना चाहिए, जहां सत्तारूढ़ महायुति ने विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। बीजेपी ने शिवसेना के दावे को किया खारिज। हालांकि बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस की वकालत करते हुए कहा कि वह राज्य का नेतृत्व करने के लिए सबसे सक्षम उम्मीदवार है। एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना बीजेपी और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के महायुति गठबंधन ने हाल में संपन्न महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 में से 230 सीट जीत कर सत्ता बरकरार रखी, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमवीए को सिर्फ 46 सीट मिली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा सबसे अधिक 132 सीट जीतने के बाद फडणवीस के मुख्यमंत्री पद का दावेदार होने की अटकलें लगने लगी। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 सीट पर जीत हासिल की है।